नमस्ते प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको विपरीत राजयोग के बारे में बताना चाहती हूँ, जो कि खासकर जैसे पराशरी ज्योतिष में इस राजयोग का बहुत महत्व है। तो बने रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप कंसल्टेशन चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन में है। तो प्रिय दर्शकों, विपरीत राजयोग क्या है ये मैं आपको बताऊँगी, और ये भी बताऊँगी कैसे एक जाति का की ज़िंदगी बच गई, मतलब कोविड के दौरान वो बहुत ही मतलब एक मुश्किल से गुजर रही थी, एक बहुत बीमार पड़ गई थी, और विपरीत राजयोग की वजह से मतलब ये कह सकते हैं कि उसकी जान बच गई। तो मैं ज़रूर उस घटना के बारे में बताऊंगी। उसके पहले थोड़ा सा संक्षिप्त में हम जान लेते हैं कि विपरीत राजयोग आखिर क्या है। तो प्रिय दर्शकों, विपरीत राजयोग एक ऐसा राजयोग है जो बनता है जब कोई भी दुस्थान भाव के स्वामी किसी और दुस्थान भाव में जाके, या किसी भी दुस्थान भाव में जाके जब बैठ जाए, तब ये एक राजयोग का निर्माण करता है। उसे कहते हैं विपरीत राजयोग। हम जानते हैं कि कुंडली में तीन दुस्थान भाव होते हैं, वो कौन से हैं? छठा भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव, मतलब सिक्स्थ हाउस, एट्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस, ये दुस्थान भाव कहलाते हैं, और इंग्लिश में इन्हें मैलिफिक हाउसेस भी कहते हैं। तो प्रिय दर्शकों, अब इनके जो स्वामी हैं, कोई भी, जैसे सिक्स्थ हाउस के जो स्वामी हैं, या अष्टम भाव के स्वामी, या द्वादश भाव के स्वामी, अगर जाके किसी भी दुस्थान भाव में जाके बैठ जाएं, तो ये योग बनता है। तो कैसे ये योग फलित होगा प्रिय दर्शकों? खासकर जब जो भी ग्रह ये योग बना रहा है, उसकी अगर महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा हो रही है, या अगर गोचर में वो ग्रह लग्न के साथ, लग्न के स्वामी के साथ संबंध बना रहा है, या चंद्रमा के साथ, तभी ये योग फलित होता है। मतलब उसका संबंध होना पड़ेगा। अगर गोचर में भी संबंध हो रहा है तो भी इस योग का प्रभाव हम देख सकते हैं, खासकर महादशा अंतरदशा में देखने को मिलती है ज़रूर। तो प्रिय दर्शकों, अब देखिए ये जो कुंडली है, इसमें आप देख रहे हैं कि जैसे ये तुला लग्न की कुंडली है, तुला लग्न के स्वामी शुक्रदेव हैं। तो विपरीत राजयोग इस कुंडली में हम देख रहे हैं कि छठे भाव के जो स्वामी हैं, गुरु, वो जाकर बैठ गए हैं बारहवें भाव में। तो ये एक विपरीत राजयोग की स्थिति है। अब प्रिय दर्शकों, हमें ये भी देखना चाहिए कि लग्न के जो स्वामी हैं, मतलब लग्नेश जो है कुंडली में, लग्नेश के पास बल है या नहीं, लग्नेश बली है या नहीं, ये भी देखना ज़रूरी है। अगर लग्नेश कमज़ोर होगा तो इस योग की जो प्रभाव, योग का जो प्रभाव है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, और अगर लग्नेश बली है तो इसकी शुभता और बढ़ जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि शुक्रदेव लग्नेश हैं वो, लेकिन शुक्रदेव अष्टम भाव के भी स्वामी हैं इस कुंडली में, क्योंकि अष्टम भाव में वृषभ राशि है। तो थोड़ा सा जैसे अष्टम भाव के स्वामी बन गए, अष्टम भाव से उतार चढ़ाव, हम नुकसान, दुर्घटनाओं को भी देखते हैं, दुख को भी देखते हैं, तो थोड़ा सा जैसे लग्नेश थोड़ा कमज़ोर हो गया क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी हैं। लेकिन प्रिय दर्शकों, ये भी देखना चाहिए कि शुक्रदेव किस घर में, मतलब किस भाव में बैठे हैं। वो अष्टम भाव के स्वामी हैं, और जैसे लग्नेश हैं तो वो किस राशि में बैठे हैं और किस नक्षत्र में बैठे हैं, ये भी देखना चाहिए। अच्छा, और प्रिय दर्शकों, आपको ये भी देखना चाहिए कि गुरु बारहवें घर के स्वामी, वहाँ पर मीन राशि है, मतलब छठे भाव में मीन राशि है, तो गुरु बारहवें भाव में बैठे हैं क्योंकि वो सिक्स्थ हाउस के स्वामी हैं। अच्छा, तो गुरु जो है वो विपरीत राजयोग बना रहे हैं बृहस्पति देव। तो गुरु किन भावों के स्वामी हैं, किन भावों के स्वामी बनकर वो बारहवें भाव में बैठे हैं? एक तो है छठा भाव, और एक हम देख रहे हैं कि गुरु तीसरे भाव के स्वामी हैं। तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि तीसरा भाव जो है वो भी एक सामान्य दुस्थान भाव माना जाता है। बहुत ज़्यादा प्रबल दुस्थान तो नहीं है वो, लेकिन एक जैसे, वो भी एक जैसे माइल्ड दुस्थान कहते हैं ना,
एक वो भी एक तरह का दुस्थान ही है. क्यों? क्योंकि तीसरा भाव भी जैसे हमारी स्ट्रगल का है. बहुत ज़्यादा जो हम परिश्रम करते हैं, हमारी जैसे ऊर्जा का व्यय, वो भी तीसरे भाव से देखा जाता है. बहुत ज़्यादा मेहनत, परिश्रम, तो वो भी एक जैसे दुस्थान, एक दुस्थान भाव की तरह कभी कभी माना जाता है. लेकिन ये पता, हमें पता है कि छठे, आठवें और बारहवें भाव के स्वामी ही, मतलब बारहवा भाव ही दुस्थान भाव है, मुख्यतः वो ही है. लेकिन तीसरा भाव भी थोड़ा बहुत दुस्थान है. तो तीसरे भाव के स्वामी बारहवें भाव में बैठ गए, तो ये तो एक तरह से अच्छा है. क्योंकि अगर गुरु, देखिए, अगर गुरु केंद्र के स्वामी होते, केंद्र भाव के स्वामी बनकर बारहवें भाव में बैठते, तो ये अच्छा नहीं होता जातक के लिए. प्रथम भाव, चौथे भाव, सप्तम भाव या दशम भाव के स्वामी बनकर अगर गुरु बैठते, तब ये जातक के लिए और भी मुश्किल पैदा होती. अच्छा, विपरीत राजयोग के तो फल उसे मिल जाते, लेकिन फिर वो जातक के लिए अच्छा नहीं होता. क्योंकि जैसे केंद्र भाव के स्वामी बैठ गए बारहवें भाव में, बारहवा भाव एक दुस्थान भाव तो है, उसे हम हर तरह के नुकसान को देखते हैं, अस्पताल को देखते हैं, एसाइलम को देखते हैं, जेल को देखते हैं, ये सब कारागार, मतलब ये सब चीज़ों, आइसोलेशन, अकेलेपन को भी बारहवें भाव से देखते हैं. अच्छी चीज़ों को भी देखते हैं, आध्यात्म, अगर व्यक्ति का रुचि आध्यात्मिकता की ओर है, तब तो बारहवा भाव उसके लिए अच्छा है. लेकिन हर किसी के की रुचि उस तरफ और कम उम्र से होना तो थोड़ा बहुत मुश्किल है. वो जैसे आध्यात्मिकता की ओर, खासकर जैसे लोग 30-35 साल, एक जैसे परिपक्वता की ज़रूरत है, तभी व्यक्ति समझ पाता है कि आध्यात्मिकता आखिर क्या होती है. तो ये तो है. लेकिन हाँ, अगर व्यक्ति आध्यात्मिकता की ओर जा रहा है जैसे 30-35 साल के बाद, तब अगर गुरु केंद्र भाव के स्वामी बनकर बैठे हैं, तब भी जैसे आध्यात्मिकता की ओर अगर व्यक्ति का झुकाव है, तब क्या होता है, वो बारहवें घर की जो ऊर्जा है ना, वो आध्यात्मिक जो हम जो हम ध्यान करते हैं, जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हम करते हैं, तो वो ऊर्जा वहाँ पे चली जाती है. मतलब ऊर्जा वहाँ पे, ऊर्जा का इस्तेमाल आध्यात्मिकता के पथ पर चलकर, तो हम वो बारहवें घर की ऊर्जा का इस्तेमाल अगर उस तरह से करते हैं, तब बारहवा घर हमें कोई नुकसान, उतना नुकसान नहीं पहुँचा पाता, ऐसा है. तो वो तो एक अलग विषय है. तो प्रिय दर्शकों, हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, तीसरे भाव के स्वामी बनकर गुरु बैठ गए हैं, गुरु बारहवें भाव में हैं और छठे भाव के स्वामी बनकर बैठे हैं. तो फिर ये विपरीत राजयोग ये फलित होगा जातक के जीवन में, खासकर जब गुरु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा या गोचर में अगर गुरु बहुत ज़्यादा लग्नेश के साथ अगर गुरु का संबंध हो रहा है चंद्रमा के साथ, तो भी हम कह सकते हैं कि इस योग, विपरीत राजयोग का जो फल है वो जातक को मिल सकता है. तो प्रिय दर्शकों, मैं आपको जिस घटना के बारे में बताना चाह रही थी, तो एक जातिका है जिसके साथ ऐसा हुआ कि पिछले साल कोविड का जो पैंडेमिक है, वो तो आपको पता ही है कि मार्च से लगभग लॉकडाउन, पूरे देश में लॉकडाउन शुरू हो गई थी, उसकी घोषणा कर दी गई थी. और फिर अप्रैल के महीने में तो सब कुछ, मतलब घर से बाहर निकलना भी बहुत मुश्किल था. तो उस समय जातिका की मतलब बहुत ज़्यादा एब्डोमिनल, स्टमक पेन, बहुत ज़्यादा पेट में दर्द की शिकायत होने की वजह से फिर उसने ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेशन लिया. और फिर डॉक्टर ने उसे ऑनलाइन बोला कि एक मतलब रेडियोलॉजिस्ट के पास मतलब जाके एक स्कैन कराना चाहिए. तो फिर उसने स्कैन कराया, और स्कैन कराने के बाद उसे वो रेडियोलॉजिस्ट ने बोला कि उसको एक बहुत ही गंभीर गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, मतलब तकलीफ है, डिसऑर्डर है. उसे इमीडिएटली, मतलब जल्द से जल्द उसे सर्जरी करानी पड़ेगी. तो उस समय तो लोग घर से ही बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तो वो जातिका के घर के लोग बहुत परेशान थे कि अब क्या होगा, कैसे इस बीमारी से वो बाहर निकलेगी. तो डॉक्टर ने, एक डॉक्टर का अपॉइंटमेंट उसे किसी भी तरह मिला, क्योंकि डॉक्टर्स उस समय कोविड के
जो मरीज़ थे उनके साथ थे, तो किसी भी तरह बहुत मुश्किल से एक डॉक्टर डॉक्टर के साथ जैसे उसे अपॉइंटमेंट वो जाके मिली, तो उस डॉक्टर ने उसे दवाई दिए थे, पेन किलर्स दिए थे, तो उससे जैसे पेन किलर्स खाने से क्या होता है, वो लेने से मतलब दर्द कम हो जाता है लेकिन वो बीमारी तो ठीक नहीं होती। तो फिर डॉक्टर ने उसे बोला कि उसे सर्जरी करवाना पड़ेगा। तो अब सर्जरी वो कैसे कराती, मतलब कहाँ पे, हॉस्पिटल में तो कोई बेड भी नहीं था, कहीं पर भी नहीं था, मतलब हॉस्पिटल्स की जो हालत थी वो वो रहती है मुंबई में, तो मुंबई उस समय देश में सबसे ज़्यादा केसेस मुंबई में ही थे कोविड के, तो हॉस्पिटल्स में तो चारों तरफ मतलब हॉस्पिटल्स में कोविड के पेशेंट्स, हॉस्पिटल में बेड नहीं थे, तो फिर कैसे वो भर्ती होती, कैसे उसकी सर्जरी होती, तो कुछ भी उसे समझ में नहीं आ रहा था। उसके घर के लोग बहुत परेशान थे, मतलब ऐसा भी हो गया था कि मतलब वो 2-3 हफ्तों तक पेन किलर ले रही थी, मतलब उनकी उम्मीद भी डगमगा रही थी कि क्या होगा, क्योंकि दवाई से वो जो बीमारी थी उसे उसका थोड़ा बहुत दवाई से वो मतलब थोड़ा बहुत कंट्रोल हो सकता है लेकिन वो ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी जो प्रॉब्लम थी ना उसके लिए उसे सर्जरी की ही ज़रूरत थी, ऑपरेशन। तो अब तो तब तो वो बहुत ही मुश्किल था पिछले साल अप्रैल के महीने में, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। और फिर क्या हुआ प्रिय दर्शकों, मई के महीने में किसी भी तरह उसने उसने डॉक्टर से बात करके मतलब किसी भी तरह की मेरी सर्जरी कर दीजिए, तो मई के अंत में, और डॉक्टर का मतलब यही डर था मतलब डॉक्टर के मन में कि ये जो अंदर जो भी मतलब है ना मतलब जो उसके अंदर सिस्ट था, तो मतलब वो मतलब बहुत ही बड़ा और वो मतलब इन्फेक्शस हो रहा था, मतलब इन्फेक्शन फैल सकता था अंदर, तो फिर डॉक्टर भी चाहते थे कि जल्दी से हो जाए। और प्रिय दर्शकों ऐसा भी होता है कि जैसे कोई पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम है, किसी को गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो एक स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, हर कोई वो सर्जरी नहीं कर सकता। तो ये तो कोई डिलीवरी का केस नहीं है कि प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी है कि कोई भी मतलब डॉक्टर जिसे थोड़ा बहुत जो मतलब जिसने गायनेकोलॉजी सॉरी जिसने मेडिकल साइंस पढ़ा है वो भी मदद कर दे, लेकिन ये एक स्पेशलिस्ट की ज़रूरत थी, क्योंकि ये मतलब एक ऐसी सर्जरी थी जो एक स्पेशलिस्ट ही कर पाते, तो उस तरह के स्पेशलिस्ट का मिलना बहुत ही असंभव था। लेकिन फिर पता नहीं कहाँ से मई महीने के अंत में एक डॉक्टर, एक सर्जन, और उसे सर्जन की ज़रूरत थी, तो एक सर्जन उन्होंने ज्वाइन किया था एक हॉस्पिटल में मुंबई में, और फिर वो वहाँ गई उससे उनसे मिलने, और फिर मई के एंड में उसकी सर्जरी, जिस समय लोग डर के मारे मतलब कहीं भी नहीं निकल पा रहे थे और चारों तरफ मतलब सब लोग डर गए थे। अभी भी जैसे कोरोना का प्रॉब्लम तो अभी भी चल ही रहा है, तो उस समय आप सोचिए तो क्या हालत थी, लेकिन उसकी सर्जरी हो गई किसी भी तरह, और फिर वो ठीक भी हो गई और अभी वो स्वस्थ है। तो ये गंभीर बीमारी उसे हो गई थी, उसकी भी कुंडली में छठे भाव के जो स्वामी हैं वो 12वें भाव में बैठे हैं, तो 12वां भाव हॉस्पिटल का भी होता है, तो उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा और उसकी सर्जरी हो गई और वो ठीक हो गई। तो प्रिय दर्शकों उसकी कुंडली में भी हम कह सकते हैं जैसे हम विपरीत राजयोग है ये हम कह सकते हैं, क्योंकि 6ठे भाव के स्वामी 12वें भाव में हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो जिस ग्रह की वजह से विपरीत राजयोग बन रहा था उसकी कुंडली में, उस ग्रह की महादशा भी थी उस समय उस जातिका के जीवन में, तो फिर वो बाहर आ गई इस मुश्किल से। तो विपरीत राजयोग की वजह से भी हम कह सकते हैं बहुत हद तक, और क्योंकि हम तो ज्योतिष में विश्वास रखते हैं और हम जानते हैं कि ग्रहों के जो पोजीशंस हैं उनकी जो स्थिति है कुंडली में वो हमारे जीवन को प्रभावित करती है, बहुत हद तक करती है। तो विपरीत राजयोग की वजह से हम कह सकते हैं कि जातिका एक बहुत ही गंभीर समस्या में पड़ गई थी, लेकिन उस परेशानी से वो बाहर निकल आई।
तो प्रिय दर्शकों, हम इस तरह से हम देख सकते हैं कि विपरीत राजयोग कैसे काम करता है हमारे जीवन में। और आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।